नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। सो इसी तरीके से मैं वंस इन अ वीक हवन कप्स को लिड करती हूँ एंड देन आई प्लेस देम एट डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ माय होम। इससे घर में एक अच्छा ऑरा क्रिएट होता है, अच्छी स्मेल आती है एंड ऑल्सो यू गेट मोटिवेटेड टू स्टार्ट योर डे। तो आज इस वीडियो में मैं अपने किचन को डीप क्लीन करने वाली हूँ। जैसे कि आप सबको पता ही है कि पास्ट कुछ महीनों पहले मेरे भाई की शादी थी, जिस वजह से मैं उतना ज़्यादा अपने घर को क्लीन नहीं कर पा रही थी। सो नाउ आई हैव स्टार्टेड क्लीनिंग माई होम। तो आज मैं किचन को डीप क्लीन कर रही हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, जब भी आप किचन को डीप क्लीन करना स्टार्ट करें, चिमनी के जो प्लेट्स होते हैं उन्हें निकाल करके गर्म पानी में इस तरीके से आप सोक करके रख दीजिए। ये स्टार्टिंग नहीं करना है। आप इस तरीके से किसी भी तरीके का डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हैं एंड देन इन प्लेट्स को वाटर में इमर्स कर दीजिए। अब इसे हम सबसे लास्ट में क्लीन करेंगे, तब तक इसमें जो भी ग्रीस डर्ट होगा वो ऑटोमेटिकली सब डिसॉल्व हो जाएगा एंड इसे क्लीन करना बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जो भी चीज़ें आपने काउंटर टॉप पर रखी हों या डेकोर के लिए शेल्फ हो या वॉल के ऊपर आपने कुछ भी लगा करके रखा है, उसे कम्प्लीटली हटा दीजिए ताकि आप विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन क्लीनिंग अच्छी तरीके से कर पाए। अब हम सबसे पहले क्लीनिंग टॉप से स्टार्ट करेंगे। आप किसी भी तरीके का ऑल पर्पज़ क्लीनर ले लें, जो आपके टॉप शेल्फ हैं उनमें स्प्रे करें, 2 मिनट के लिए इसे छोड़ें एंड देन गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ से उसे अच्छी तरीके से क्लीन कर दें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप क्लीनिंग टॉप टू बॉटम ही कर रहे हैं। अब हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं, तो ओवरहेड कैबिनेट्स को क्लीन करने के लिए मैं सिर्फ गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि वैसे भी इन कैबिनेट्स को हम फ्रीक्वेंटली वीकली बेसिस पे क्लीन करते रहते हैं। अब वाटर मार्क्स को हटाने के लिए आप एक सूखा माइक्रोफाइबर क्लॉथ लें और कैबिनेट्स क्लीन कर दें। चिमनी के आसपास वाले कैबिनेट्स काफ़ी ज़्यादा ऑयली और ग्रीसी हो जाते हैं, तो उन्हें क्लीन करने के लिए डेफिनेटली आप ऑल पर्पज़ क्लीनर को स्प्रे करें, लीव इट फॉर 2 मिनट्स एंड देन स्क्रबर की हेल्प से जो भी ग्रीस के मार्क्स हैं उन्हें रिमूव कर दें। एंड जब आप इसे अच्छे से स्क्रब कर दें तो आपको एक गीला माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेना है जो भी सोप रेसिड्यू है उसे रिमूव करने के लिए। यूजुअली चिमनीज काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, तो आप जब ऑल पर्पज़ क्लीनर्स में स्प्रे करेंगे तो जो भी ग्रीस यहाँ पर है वो डेफिनेटली 2 मिनट के अंदर अंदर कट हो जाएगा। स्क्रबर से उसे स्क्रब करें एंड देन आप एक गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ से चिमनी को अच्छी तरीके से क्लीन ज़रूर कर लें। अब हमारे ऊपर की कैबिनेट्स, चिमनी हमने अच्छे से क्लीन कर ली है। नाउ इट्स टाइम कि हम थोड़ा सा और नीचे की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो बैक स्प्लैश होते हैं, जो टाइल्स होते हैं, उन्हें क्लीन करना है। अब इसे क्लीन करने के लिए मैंने सिर्फ सोप सॉल्यूशन यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद में गीला माइक्रोफाइबर क्लॉथ रेसिड्यू को रिमूव करने के लिए। तो सबसे पहले आप पूरे जितने भी टाइल्स लगे हुए हैं उन्हें अच्छे से क्लीन ज़रूर कर लें, उसके बाद में ही जो काउंटर टॉप है, जो भी स्टोन आपके पास में है उसको उसके बाद ही क्लीन करना स्टार्ट करिए। कैबिनेट्स, चिमनी, काउंटर टॉप हमने अच्छे से क्लीन कर लिया। नाउ इट्स टाइम कि हम स्टोव को भी अच्छे से क्लीन करें। अगर आपके पास हॉब है तो उसे भी आप ज़रूर क्लीन करिए। मैं यहाँ पर कोई फैंसी क्लीनर यूज़ नहीं कर रही हूँ। इस स्क्रबिंग पैड में सिर्फ और सिर्फ सोप सॉल्यूशन है, उसी की हेल्प से मैं इसे स्क्रब कर रही हूँ एंड देन गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसे क्लीन कर दूँगी। एट लास्ट विल क्लीन दीज चिमनी प्लेट्स। तो अभी किचन को क्लीन करने में आई हैव टेकन अराउंड 40 to 45 मिनट्स। तब तक हमारे जो प्लेट्स थे वो पानी में इमर्स थे। थोड़ा सा डिटर्जेंट स्प्रिंकल करें। अब इन प्लेट्स को क्लीन करने के लिए आप कोई भी पुराना टूथब्रश, इस तरीके से स्टील वूल या फिर जो ऐसे स्लिम स्लीक ब्रशेज होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इन प्लेट्स को हमने ऑलरेडी इतने टाइम तक पानी में इमर्स करके रखा हुआ था। तो देखिए, स्क्रब करने के बाद में मुझे यहाँ कुछ और एक्स्ट्रा सॉल्यूशन या डिटर्जेंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नॉर्मल टैप वाटर से भी ये अच्छे से क्लीन हो गए हैं। अब इन प्लेट्स को आप अच्छे से ड्राई कर लें, उसके बाद में ही इसे वापस चिमनी में फिक्स कर दें। नाउ इट्स टाइम कि हम सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर लें। तो यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा एंड विनेगर थोड़ा सा स्प्रे करा, स्क्रब किया एंड देन नॉर्मल टैप वाटर से उसे अच्छे से क्लीन कर दिया है।
जब आप एक बार काउंटर टॉप के ऊपर वाली सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर लें, उसके बाद में ही ये जो नीचे कैबिनेट्स होते हैं उन्हें क्लीन करिए, क्योंकि इन कैबिनेट्स को हम फ्रीक्वेंटली क्लीन करते ही रहते हैं, तो आप एक गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ से भी अगर इन कैबिनेट्स को पोंछेंगे तो डेफिनेटली वो क्लीन हो जाएंगे। जो भी फिक्स्चर्स हमारे फिक्स्ड थे, जैसे कि काउंटर टॉप, कैबिनेट्स, चिमनी, इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से डीप क्लीन कर लिया है। अब काउंटर टॉप के ऊपर से आपने जो भी सामान उठाया था, जैसे कि आपकी कोई भी ट्रे, कंटेनर्स, ऑर्गेनाइज़र, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव का स्टैंड, जो भी चीज़ें आपने काउंटर टॉप के ऊपर रखी हुई थी, उन सारी ही चीज़ों को आप एक गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ से डेफिनेटली अच्छे से क्लीन ज़रूर करें, उसके बाद में ही काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज करना या डेकोरेट करना स्टार्ट करें। तो इसी के साथ में हमारी क्लीनिंग होती है एकदम कंप्लीट। अभी हमारा ये जो किचन है, टॉप टू बॉटम अच्छी तरीके से कंप्लीटली क्लीन हो गया है। अब बारी आती है किचन को वापस से सेट करने की, यानी कि उसे ऑर्गेनाइज करने की। तो जब भी मैं अपने काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज करती हूँ, आई मेक श्योर कि मैं जितना ज्यादा स्टफ जो भी मुझे काउंटर टॉप के ऊपर रखना है एकदम बैक साइड वॉल पे पहुंचा दूं, ताकि फ्रंट पे मेरे पास काफी ज्यादा स्पेस हो कटिंग, चॉपिंग या फिर जो भी मैं मील प्रिपेयर कर रही हूँ उसे प्रिपेयर करने के लिए। तो इस बार मैंने बहुत ज्यादा कुछ ड्रास्टिक मेकओवर नहीं कराया किचन का, बस थोड़ा सा डीप क्लीनिंग किया है, तो उसके बाद लगता है कि थोड़ा सा एक रिफ्रेशिंग लुक मिल जाए किचन को। तो बस जो भी चीजें ऑलरेडी मेरे घर में अवेलेबल थी, थोड़े बहुत DIYs करके मैंने किचन को डेकोरेट भी करा है एंड उसको रीऑर्गेनाइज करा है। तो ये है बैम्बू टू टियर ऑर्गेनाइजर, जो कि जहाँ पहले रखा हुआ था मैंने इसको यहीं पर रखा है, क्योंकि मुझे यहाँ से चीज़ों को हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब इस ट्रे के ऊपर मैं कुछ इस तरीके के सेरेमिक कंटेनर्स रख रही हूँ, किचन के जो भी यूज़ में आने वाले चीज़ें हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए। कॉर्नर में थोड़ा सा स्पेस है, तो यहाँ पर एक सेरेमिक जार में मैं कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स रख रही हूँ किचन के एस्थेटिक्स को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए। इस ट्रे में मैं मिक्सर ग्राइंडर रख रही हूँ ताकि इसको यूज़ करना इजी हो पाए। दिस इज़ अ ब्रेड बॉक्स। इसको रखने का एक और फ़ायदा है कि जो वायर्स थे वो कम्प्लीटली हाइड हो गए हैं। अब मिक्सर ग्राइंडर के जस्ट ऊपर मैं हैंग कर रही हूँ एक छोटा सा वॉल आर्ट किचन को थोड़ा सा ब्यूटिफाई करने के लिए, एंड इस किचन टावल से जो मिक्सर ग्राइंडर है उसे मैं कवर कर दूँगी। अब माइक्रोवेव के ऊपर मैंने ये एक स्टैंड रखा हुआ है, जिसमें मैं इस तरीके से टिन कुकी जार्स रख रही हूँ। ये है मसाला डब्बा और उसके फ्रंट में है रोटी का कैसेरोल, और क्योंकि अभी समर्स हैं तो सबको पापड़ खाने अच्छे लगते हैं, तो एक पापड़ का बॉक्स भी मैंने यहाँ पर ही हैंडी रख दिया है। अब ये वाला जो पोर्शन है ये कोई यूटिलिटी तो ऐड करता नहीं है, तो इसको मैं हमेशा डेकोर के पर्पज़ से ही यूज़ करती हूँ। तो बैम्बू प्लेसमेंट्स यहाँ ऑलरेडी लगे हुए थे, तो मैं छोटा सा DIY कर रही हूँ कि जो वॉल आर्ट्स आते हैं, जैसे इसमें पील एंड स्टिक वाले जो ऑप्शंस होते हैं, तो बस पीछे से पील रिमूव करके ये जो वॉल आर्ट है इसको मैं बैम्बू का जो प्लेसमेट है डिफरेंट साइजेस में उसमें स्टिक कर रही हूँ, बैम्बू प्लेसमेट के साइज के अकॉर्डिंगली। अब इसे कुछ इस तरीके से एक एक करके मैं हैंग कर दूंगी, वॉल भी थोड़ी सी भरी भरी लगने लगेगी और हमारा जो डेकोर है वो भी हो जाएगा छोटे से DIY के साथ में। अब यहाँ पर मैं एक और DIY कर रही हूँ। मैंने ऐसी एक ट्रे ली है, पीछे दो हैंगर्स लगाए हैं जिसकी हेल्प से मैं इसे वॉल पर इजीली हैंग कर पाऊँ। अब आप चाहें तो ऐसे जो हुक्स आते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, जो सिंगल कमांड हुक्स आते हैं आप उनको भी स्टिक कर सकते हैं। डेकोरेट कर दीजिए और आपका एक छोटा सा किचन टावल होल्डर, रैक या हैंगर जो भी है वो रेडी है। जो भी आपके सुंदर से टावल्स हैं वो यहाँ पर हैंग करिए, एक ब्यूटीफुल सा कोजी कॉर्नर आपने सेट कर लिया। अब यहाँ पर एक बड़ी वाली बैम्बू प्लेसमेंट बच गई थी, तो मैंने इस तरीके से एक मैग्नेटिक हुक यहाँ पर लगाया है। अब इस हुक को जो चिमनी है हम उसके ऊपर फिक्स कर देंगे, स्टिक कर देंगे, ताकि जो प्लेसमेंट है वो नीचे ना गिरे। अब थोड़ा सा डेकोर करने के लिए मैंने एक जार में पॉटपोरी और उसके आगे एक छोटू सा क्लॉक रखा हुआ है, ये टिश्यू पेपर होल्डर है, एंड ये भी एक ग्लास का प्लेटर है
जिसको मैं यहाँ पर इस बार डेकोर पर्पस से यूज़ करने वाली हूँ, और जो भी पोटपूरी होती है जिसे हम परचेज़ करते हैं मार्केट से, तो मैंने इन छोटे छोटे जो बोल्स हैं मैंने उनको यहाँ पर रख दिया ताकि देखने में सुंदर भी लगे और इसका यूज़ भी हो पाए। चिमनी के आसपास वाला एरिया बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता था, तो मैं यहाँ पर इस बार वॉलपेपर लगा रही हूँ। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा लग रहा है कि नहीं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि इसे रखूँ या हटा दूँ। तो अब लास्ट में जब किचन अच्छे से मैंने क्लीन एंड ऑर्गेनाइज कर लिया है, तो जो किचन रनर और डोरमैट से उन्हें हटाइए। एक बार फ्लोर को अच्छे से क्लीन ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज करते टाइम भी, क्लीनिंग के बाद भी कभी कभी फ्लोर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। उसके बाद में ही आपके वॉश्ड या अगर आपके पास कोई नया किचन रनर और डोरमैट है तो उसको फ्लोर पर लगाइए एंड यू आर डन। एंड डेफिनेटली आप भी एक जो रिफ्रेशिंग सा फील है वो चेंज कर पाएंगे। भले ही आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज ना करें, लेकिन जब आप अपने किचन को या किसी भी रूम को अच्छे से डीप क्लीन करते हैं ना, तो आपकी वॉल्स और जो आसपास का एरिया है वो बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप हो जाता है और बहुत ज़्यादा क्लीन लगने लगता है। मस्ट बी वॉन्डरिंग कि मैं किचन में क्या बना रही हूँ। सो आई थॉट कि आज मैं विराट कोहली का फेवरेट पनीर खुरचन ट्राई करने वाली हूँ। दिस इज नॉट माई रेसिपी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कॉपी शेफ रणवीर ब्रार्स रेसिपी एंड लेट्स चेक आउट कि वो कैसे बनती है। बिकॉज मेरे बेटे को क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ही इज़ अ वेरी बिग क्रिकेट फैन। सो आई थॉट कि आज उसके लिए एक स्पेशल विराट कोहली की डिश रेडी की जाए। तो बच्चे जब ऐसी चीज़ें देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खाने में इंटरेस्ट लेते हैं। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हम फ्रेश पेस्ट रेडी करेंगे जिंजर एंड गार्लिक का। तो आप इस तरीके से उसे क्रश कर लें एंड देन आपको जो हींग और जीरा था तेल में, उसके साथ में इस पेस्ट को ऐड करना है। इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई होने दें और उसके बाद में आपको इसमें चॉप्ड ऑनियंस ऐड करने हैं। अब इसको हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। अब थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने लगेगा तब आप इसमें धनिया पाउडर, हल्दी, सब्जी मसाला और रंग के लिए थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ज़रूर ऐड करें। अब आप आधे टमाटर की फ्रेश प्यूरी ज़रूर इसमें ऐड करिए और उसके बाद में आपको ऐड करने इस तरीके से जो चॉप किए हुए टमाटर हैं उनको। अब इसे अच्छे से ग्रेवी को रेडी होने दीजिए। मीनवाइल हम पनीर को मैरिनेट करते हैं। उसके लिए आप दही में सूखे मसाले जैसे कि हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च, बेसन, नमक, ये सारी चीज़ें ऐड कर लें और उसके बाद में इसमें पनीर डाल के इसे मैरिनेट कर लें। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल भी डालना ज़रूरी है। सो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि आप इस तरीके से पनीर को पहले पीसेस करके ना डालें, क्योंकि जब आप इसे चलाएंगे तो पनीर कम्प्लीटली टूट जाएगा। सो इट्स बेटर, रेसिपी में भी ऐसा ही था कि आप पूरा का पूरा पनीर का ब्रिक लें कुछ इस तरीके से और उसे फ्राई करें। जब पनीर एक बार फ्राई हो जाएगा तो हमको लेनी है चॉप्ड शिमला मिर्च, थोड़ी सी मिर्च और प्याज, और इन्हें अच्छी तरीके से आप सौते करें। अब खुरचन है तो मतलब हमें डेफिनेटली इसी तरीके से खुरच खुरच के इस रेसिपी को बनाना है। और बनाते टाइम ध्यान रखिए आप कढ़ाई नहीं, आप इसकी जगह तवा या फिर इस तरीके से एक फ्लैट पैन का इस्तेमाल करें। लास्ट में आप इसमें टमाटर डाल दीजिए और जो हमारा पनीर था उसको ऐड करिए। अब इसके ऊपर आपको जो ग्रेवी हमने बनाई थी उसे ऐड करनी है एंड योर डिश इज़ ऑल रेडी। बिलीव मी, खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेस्ट करती है। जितना मैंने इस रेसिपी को देखा कि आप इसे अगर कढ़ाई में बनाएंगे तो इस रेसिपी का स्वाद उतना ज़्यादा नहीं आएगा। सो प्रेफर करेगा कि आप इसे इस तरीके से तवे या फ्लैट पैन पे ही बना रहे हैं। एंड दैट्स इट, आज के इस वीडियो में मैंने किचन को अच्छे से डीप क्लीन किया, डेकोरेट किया, उसे ऑर्गेनाइज किया और आप सबके साथ में एक छोटी सी रेसिपी भी शेयर करी है। आई होप कि आपको इस तरीके के ब्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मुझे भी आपका फीडबैक डेफिनेटली कमेंट से ही मिलता है कि मुझे क्या ऐसे ब्लॉग्स बनाने चाहिए या नहीं।